अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। काफ़ी दिनों के बाद हम बैक आ गए हैं जी, तो वेलकम बैक हो गया। आज माशाल्लाह ईद उल फितर का दिन है, ठीक है। अभी मैं सुबह सुबह उठ चुका हूँ, बल्कि सारी रात सोया ही नहीं हूँ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि रमज़ान की आदत पड़ी हुई थी, तो सहरी करके जा फजर पढ़ के जाके सोते थे हम, तो अभी जो सा जी नींद नहीं हमें आई, फिर हम उठे रहे हैं। बाकी जी 8 बजे होगी ईद उल फितर की नमाज, तो वो पढ़ेंगे। अभी डाइट टाइम मेरे ख्याल 6:30 हो चुके होंगे, तो ये अभी अलान चलान हो रहे हैं। माशाल्लाह मौसम भी आज बड़ा फिट है, ये देखें बादल बने हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो चुकी हुई है। मैं आ चुका हूँ जो उनसे मैंने थोड़ा बहुत रेडी हुआ हूँ, नहा फ्रेश हो के ना आ चुका हूँ हवेली में। तो मैं आया था हवेली, तो यहाँ पर नज़र पड़ी तो इतना बड़ा घास हुआ हुआ है ना यहाँ पर, ये देखो अच्छा खासा बड़ा घास हुआ हुआ है। तो वो इसलिए मैं यहाँ पर इसलिए नहीं था, वो मैं बताता हूँ अभी आपको। मैं आपको एक और बंदे से मिलाऊँगा, मतलब कि फैज़ान से, जो आप मिल चुके हैं पहले, ठीक है। फैज़ान से मिलाऊँगा, फिर आपको बताएंगे हम कहाँ पे थे, ठीक है। तो उतनी देर जो सा क्या करें, वेट करते हैं भैया, क्योंकि नींद अभी तो कोई भी नहीं आई हुई, तो नमाज़ पढ़ के फिर ही कुछ सोचेंगे, ठीक है। उतनी देर भैया ये झंडा गिरा हुआ है, इसको सीधा कर लें हम, ये हवा की वजह से गिर गया हुआ है। बिस्मिल्लाह, इसको करते हैं इस तरह सीधा। हाँ जी, तो चलते हैं नीचे, ठीक है। घास का भी कुछ करना है यार, इंशाल्लाह करते हैं। आज तो नहीं, अब ईद के एक दो दिन गुजारने पड़ेंगे, तो फिर ये हम अपना लॉन सेट करेंगे। और जो ये वाला पौधा था जो हमने यहाँ पर लगाया था, वो कोई नहीं हुआ भैया, ये देखो सूखे का सूखे ही बड़ा होगा, वो पता नहीं क्या सीन है इसका, ठीक है। चलो नीचे चलते हैं। हाँ जी, तो मैं आया हूँ घर पे, क्योंकि हम सूट चेंज कर लें भैया, नए कपड़े पहन लें ईद के लिए। वो ये पड़े हुए हैं बिस्तर अभी मैं रखे, जो उनसे ना इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो ये भी वाइट ड्रेस है, वो भी वाइट ड्रेस है, पर ये जो उनसे ना कल का पहना हुआ है, ठीक है। तो गंदा भी हुआ है, मैंने गौर अभी किया है, तो मैं चेंज करूँ फिर आपसे मिलता हूँ। लो जी, रेडी शेडी हो गए हैं जी, तो चलते हैं मस्जिद। पर उससे पहले जो है ना सुंदर रसूल पूरी की जाए, कि ईद की नमाज से पहले खजूर खाई जाए, तो वो खाते हैं और निकलते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाह, मस्जिद में मिलता हूँ। आ चुके हैं, ईद मुबारक बाबा जी, माशाल्लाह जी सारे पढ़ रहे हैं, सब मिल रहे हैं। अभी टाइम है जी घर जाने का, ठीक है। तो घर से होकर फिर इंशाल्लाह आएंगे यहाँ पर, इंशाल्लाह सारे इकट्ठे होएंगे। तो अभी चलते हैं घर पे, जाके कुछ मीठा खाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सजाहिर डोगर भी आ गए हैं। ईद मुबारक जनाब, ईद मुबारक, क्या हाल है, ठीक है, बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ईद मुबारक जी सबको, ईद मुबारक। आपको सुस्ती चढ़ी हुई अभी भी? अच्छा जी, चलते हैं घर को। रास्ते में फैजान भाई भी मिल गए हैं। फैजान भाई, अब इनको बताएं कि हम 10 दिन कहाँ पर गायब थे। हम माशाल्लाह इतकाफ़ पे बैठे हुए थे, और माशाल्लाह इस दफ़ा अपनी मस्जिद में कुछ 10-11 लोग हम बैठे हुए थे, माशाल्लाह। तो मैं उस वक्त, वैसे पहले एक प्रोग्राम था कि मैं बता के आप लोगों को जाऊंगा, और फिर मैंने कहा यार एक दफ़ा ना हो ही आइए, फिर जाके तुम दस कितने गए था। तो अभी चलते हैं घर को, ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। 1 hour later अभी चलते हैं यार बाज़ार, मैंने लाने हैं फूल, मतलब गुलाब की पत्तियाँ जो उनसे ना वो लानी है, तो वो लेके आते हैं। फिर दरबार पर जाना है, कब्रिस्तान, तो उधर चलेंगे इंशाल्लाह। वगैरह ले आया हूँ, तो चलते हैं कब्रिस्तान, जाके डाल के आते हैं। लो जी, कब्रिस्तान से होके आ गया हूँ घर पे, हनान को भी मिल के आया हूँ, ठीक है। तो अभी घर पे आ गया, मुझे इस टाइम बहुत शदीद नींद आई हुई है। वो क्यों,
क्योंकि मैं कल असर के टाइम से पहले का उठा हूँ, मतलब कि असर के टाइम पे मैं ना नमाज से पहले कोई एक घंटा पहले सोया हुआ था, ठीक है, उसके बाद अभी तक नहीं सोया हुआ, तो अभी इतनी कुछ शदीद नींद आ रही है, बस छोड़ दें तो मैं थोड़ी देर के लिए सोता हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह उठते हैं, तो फिर आपको हवेली लेके चलूँगा क्योंकि फिर सब इंशाल्लाह आएंगे, वहाँ पर हम बैठेंगे, गपशप करेंगे। Two hours later. इधर तो देखो नहीं देखना। अभी सो के उठ के आ गए हैं हवेली में, तो सारे भाईजान यहाँ पर ही हैं। नुमान मिट्टी भी इधर आया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटे? हैं ईद मुबारक। खैर मुबारक। और सब घर में ठीक? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक है। ईदी देने लगे? नहीं, स्वीक मान को मिठाई के पैसे देने लगा। ईदी तो दो किलो ना मिक्स मिठाई पाक स्वीट वालों से। बस किलो किलो ले आनी। गरीब बंदा यहाँ पर हनान सईद भी आया हुआ है भैया। हेलो हेलो रैबिट यार, साडा बाल क्यों गंदा करते आओ ना। माशाल्लाह यही बच्चों की रौनक होती है जी। हेलो आ जाए तो फिर कोई ना कोई पकड़ी रखता है। नहीं देखना ओ जिन वेख लिया सू, ओ जिन वेख लिया नहीं आ जा यार, परा हो जाओ। असर का टाइम हो गया जी, असर की नमाज जाके पढ़े। तू नहीं पढ़नी होंगी यार, पढ़ लेंगे। आओ पढ़ो, आओ चलो चलो आओ, टाइम हो गया। हाँ टाइम हो गया, आओ चलें, ठीक है। बाकी बादल चेक करो आज, माशाल्लाह माशाल्लाह ईद हमारी ठंडी हो गई भाई, है ना हैं जी ये? ओ भाई हैं जी, ये ठंडी हो गई क्यों? बड़ी ठंडी हो, देखो पीछे धूप निकल रही है। हाय हाय, कैसे हो हेडो? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। किधर सुबह गए हैं जनाब आप? मैं यार सो गया था, तो अभी थोड़ी देर पहले उठा हूं, बैठा हुआ था, अपनी नमाज पढ़ने जा रहा हूं। चलें खैर, चलो ठीक है। हमारे मौलवी साहब भी आ गए हैं, वो सामने आ रहे हैं, ठीक है। ये रहे, चलो ये नमाज पढ़ लें हम। अच्छा यार असर के बाद ना बड़ा ही कम लंबे हो गए थे ना, उसके बाद ईशा भी पढ़ के हम फारिग हो गए, फिर हमें लगी भूख, हमने कहा चलो चलते हैं KFC। तो KFC आए हैं जी, ईद वाले दिन तो ऐसे तो इंज होया पाया जिम्मे अलबैग तो रश नहीं होता, ठीक है, उन्हें रश पिया होया है। उसमें सब अब क्या करना है, अब देखते हैं सूरत हाल कंडीशन, सूरत हाल देखते हैं। अच्छा ईद पे यहाँ पर इसलिए ज़्यादा रश है सर्विस एरिया पे, क्योंकि इस तौर वाले गांव भी उनसे हैं, वो भी आ जाते हैं, जैसे हमें भी नज़दीक पड़ता है वैसे ही, तो इसलिए यहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा है। तो माशाल्लाह देखो हम चेक करने हैं की बनता है। जाहिर भाई क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे आप? मैं डाइट पे हूँ। डाइट पे हो? हम आप भी डाइट पे हैं जी, क्यों जी? बस यार तेरा वेट है वो ज़्यादा हो गया था, उसको डाउन किया। और तेरी तो मानी जा सकती डाइट पे, बेचारे तो की होया, बेचारे की तबीयत खराब रही है। हाँ जो है ना वो बेरोजगारी शुरू कर ली है। हाँ बाकी जी अपना मैंने स्नैक बर्गर कराया था, मासा ने इसने स्नैक बर्गर कराया, वो भी कर रहा है, ठीक है। तो खाते हैं फिर उसके बाद इंशाल्लाह निकलते हैं वापसी। खा पी के आ गए घर पर, ठीक है, आके अब ज़रा रेस्ट करते हैं, फुल थक चुके हुए हैं। बाकी आज का पहला दिन जो ईद का था वो ऐसा गुजरा हमारा, ठीक है, इसी तरह होता है, बोरियत ही होती है एक सारी, इस ईद में इतना काम भी नहीं था, बल्कि अब बच्चों की ईद होती है, बड़ों की तो ईद होती नहीं है। तो बाकी मेरा गला इस टाइम फुल शदीद दर्द कर रहा है क्योंकि मेरा गला ख़राब हुआ है। तो मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पर एंड। अगर मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करो मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोगों को। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। Allah Hafiz. So please subscribe. Okay, thank you.